नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय का व्यवस्थापन, यानी कि किस प्रकार से हम विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस प्रकार से उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे और यह जो आपका टॉपिक है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, जो कि आपका किस पेपर से लिया गया है। तो पेपर का नाम है दोस्तों एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही अच्छा उम्दा टॉपिक है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। वादा देता हूं कि आप लोग एक बार में ही समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आएगा तो हम किस प्रकार से पेपर में लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कभी भी आप। यह टॉपिक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस टॉपिक को केवल और केवल समझना है। अब ये मान लीजिए विशेष विद्यालय है, तो हम जब कोई कार्य करते हैं, कोई काम करने के अगर हम सोचते भी हैं तो क्या करते हैं, जब उस पर हम विचार करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से जब विशेष विद्यालय खोला गया तो विशेष विद्यालयों को खोलने के पीछे भी, उनको ओपन करने के लिए भी कोई ना कोई उद्देश्य रहा। उद्देश्य क्या रहा कि जो हमारे निःशक्त बच्चे हैं, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इनको हम समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकेंगे, इनको हम शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा सकेंगे, साथ ही साथ इनके अंदर की जो कमियां हैं, जो बच्चे व्यवसायिक प्रशिक्षण लेना चाहते हैं हम उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण दे सकेंगे, जो बच्चे अपना कार्य, जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर पाते हैं तो हम उनको अच्छे से करना सिखाएंगे। विशेष विद्यालय का उद्देश्य यही है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा, निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना विशेष विद्यालय हो गया आपका, ऐसे कर्मचारियों का विकास करना जो प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त हों, ऐसे कर्मचारियों को बनाना, जैसे कि हम आप डीएड स्पेशल एजुकेशन किया आपने, इसके बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो जिनकी जॉब लगेगी सीटेट और टेट या सुपर टेट के बाद में या रीट के बाद में, तो क्या है ऐसे कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा, ऐसे लोगों का विकास किया जाएगा जिससे कि जो बच्चे हैं उनका जो शैक्षिक अवसर हैं उनको अच्छे से प्रदान कराया जा सके। निःशक्त बच्चों के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाएंगे वो सही ढंग से बनाए जाएंगे, उनके लिए उचित बनाए जाएंगे। आगे देखते हैं, निःशक्त बच्चों को घरेलू कार्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ समूह सहभागिता में भी तैयार किया जाएगा। अब देख लीजिए, घरेलू कार्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण मैंने अभी आपको बताया था, और समूह सहभागिता यानी कि समूह में किस प्रकार से रहना है इस पर भी उनको सिखाया जाएगा। अपनी बारी का इंतजार करना, किसी को नहीं मारना, कि कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें आप सभी को पता है कि निःशक्त बच्चों को सिखाई जाती हैं, चाहे वह मानसिक मंदित बच्चा हो, चाहे वह दृष्टिबाधित बच्चा हो, चाहे वह श्रवण बाधित बच्चा हो, किसी भी निःशक्तता से अगर वो ग्रसित है तो उसको सिखाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो निःशक्त स्कूल यानी कि जो विशेष विद्यालय है उसका बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग पर हम बात करेंगे भवन निर्माण, भवन कैसा होना चाहिए। जब भी कोई विशेष विद्यालय का हम निर्माण करते हैं तो उसमें क्या, उस विद्यालय में या उस स्कूल में 5 कमरे दोस्तों होने चाहिए, 5 कमरे होने चाहिए और उनकी जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो 16x12 की होनी चाहिए, यानी कि 16x12 की जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए स्क्वायर फीट, 16x12 स्क्वायर फीट की जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, जिससे कि कक्षा का आकार होता है बहुत ही अच्छा होता है, यह मानक के अनुसार है। वहाँ पर संग्रहालय होना चाहिए, संग्रहालय कक्ष होना चाहिए, कार्यालय एक होना चाहिए यानी कि ऑफिस होना चाहिए, एक वहाँ पर प्रधानाचार्य कक्ष होना चाहिए, ये सब भवन के अंतर्गत आते हैं, और 4 प्रसाधन कक्ष भी होने चाहिए यानी कि 4 टॉयलेट्स आपकी बनी होनी चाहिए, और उसके बाद में विद्यालय में रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार का बच्चा आ रहा है, कौन सी निःशक्तता से ग्रसित है तो उसको आने जाने में किसी भी प्रकार का जो दिक्कत है उसका सामना ना करना पड़े। जो बिजली की स्विच होती है, अगर कमरे के अंदर की बात की जाए तो वो बिजली की स्विच है वो 6 फीट से ऊपर लगी होनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बच्चे हैं
उस स्विच तक ना पहुंच पाएं, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो। खिड़कियां जो हैं, जो खिड़की है वो बाहर की ओर खुलनी चाहिए, अंदर की ओर नहीं खुलनी चाहिए। अगर अंदर की ओर खिड़कियां खुलेंगी तो क्या होगा, बच्चों को चोट लग सकती है। अगर बाहर की ओर खिड़कियां खुलेंगी तो बच्चे को चोट नहीं लगेगी। आगे हम बात करते हैं, जो दीवारें होनी चाहिए वो कलर पेंट होनी चाहिए, आप सभी को पता है। मैदान होना चाहिए और कमरे के बाहर की जो क्रियाएं हैं बच्चे आसानी से कर सके, तो उसके लिए दोस्तों जो चौड़े दरवाजे हैं ये होने चाहिए विशेष विद्यालयों में। ये सभी विद्यालय जो का जो भवन है उसके अंतर्गत इतना कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यातायात पर। दोस्तों यातायात क्या होना चाहिए, यातायात होना चाहिए कि बच्चों को आने जाने में, घर से आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। क्या दोस्तों, ना हो असुविधा ना हो, तो ऐसा यातायात होना चाहिए। एक आप स्कूल देखिए और स्कूल का केवल और केवल मन में स्ट्रक्चर बनाइए कि हम किस प्रकार से एक विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं, एक भवन का निर्माण कर सकते हैं। जिस विद्यालय में आप बैठे हैं वहाँ पर कितने कमरे थे, किस हिसाब से था, पूरी चीज़ आप केवल मन में स्ट्रक्चर बनाइए, आप कभी भी नहीं भूल सकते। फर्नीचर कैसा होना चाहिए, अगर मान लीजिए बच्चे हैं आपके बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं अगर, तो फर्नीचर दोस्तों आप सभी को पता है कि यू आकार का फर्नीचर होना चाहिए, जहाँ पर हम बच्चों को, यहाँ पर टीचर होता है तो बच्चों को इस प्रकार से बैठा लेंगे जिससे कि हम सभी बच्चों पर नज़र रख सकें, क्योंकि हमको साथ ज़्यादा से ज़्यादा 8 बच्चे मिलेंगे, उनको पढ़ाना होगा। तो उपकरण दोस्तों TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल विद्यालय में जरूर होना चाहिए, TLM जरूर होना चाहिए, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिससे कि बच्चों को जो हम सिखाएं वो ज़्यादा देर तक स्थायी रह सके। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या काम होता है दोस्तों, जिससे कि जो भी उपकरण हो जिससे कि हम बच्चों को सिखाएं तो वो ज़्यादा देर तक स्थायी रह सके, किसी भी प्रकार की उनको असुविधा ना हो और जब उनको सीखने में सहायता हो। अब हम बात करते हैं कमरे के अंदर की आवश्यकताएं, यानी कि जो कमरा होगा, मैंने अभी आपको बताया 16x12 स्क्वायर फीट का, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों उसके अंदर विभिन्न प्रकार के खिलौने होने चाहिए जो आवाज़ करते हों, जिससे कि बच्चे समझ सकें कि अगर मान लीजिए शेर को हम रख देते हैं और वो अगर आवाज़ कर रहा है तो बच्चे समझ जाएंगे कि शेर है, या ABCD अगर ऐसी हैं जो आवाज़ करके बोलती तो जब बोलेगी तो बच्चा समझेगा हाँ मैंने ए को उठाया तो ए बोला। तो ऐसे खिलौने होने चाहिए जो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें करते हों। नेक्स्ट आपका व्यावसायिक सामग्री होनी चाहिए, अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण आप देना चाहते हैं तो रगड़ने वाले ब्रश होने चाहिए, TLM होने चाहिए, प्लास्टिक का बोर्ड होना चाहिए एक, ठीक। और जो मॉडलिंग की चीज़ें होती हैं, प्रतिरूपण की चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो टीचर करके सिखाता है, दिखा करके सिखाता है, वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। मॉन्टेसरी सामग्री होनी चाहिए, ये होने चाहिए कमरे के अंदर की आवश्यकताएं। अब कमरे की बाहर की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं दोस्तों, कमरे के बाहर लकड़ी की तो सीढ़ी होनी चाहिए, रस्सी सहित वो भी होनी चाहिए। अगर बच्चा नीचे से चढ़कर सीढ़ी पर जा रहा है तो जो किनारे होता है डंडे लगे होने चाहिए, और सीढ़ियाँ ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो सीढ़ी होती है वो काफ़ी छोटे उस पर पैर रखने वाला हो, जिससे कि बच्चे आसानी से पैर रख सके। जैसे आप लोग देखते हैं दोस्तों रेलवे स्टेशनों पे काफ़ी छोटे छोटे पैर रखने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, हम सब जब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो 3-4 सीढ़ी एक बार में चढ़ जाते हैं, तो दोस्तों वैसी सीढ़ियाँ होनी चाहिए। लकड़ी के हिलाने वाले घोड़े होने चाहिए जिससे कि बच्चे उन पर खेल सके, फिसलने वाली नाव होनी चाहिए, ये कमरे के बाहर के लिए है दोस्तों। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच्चे खेल सकें, वैसी चीज़ें कमरे के बाहर होनी चाहिए। अब स्टाफ की अगर बात करें, स्टाफ कैसा होना चाहिए दोस्तों, स्टाफ की अगर बात करें तो स्टाफ कैसा होना चाहिए, विशेष शिक्षक होने चाहिए 5 विशेष शिक्षक एक विद्यालय में, कितने विशेष शिक्षक दोस्तों, 5 विशेष शिक्षक होने चाहिए, प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्री वोकेशनल और वोकेशनल के लिए। आप सभी को पता है FECB के अनुसार 5 प्रकार की कक्षाएँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स के लिए बताई गई, तो 5 विशेष शिक्षक होने चाहिए, और उसके बाद में 1 प्रधानाचार्य होने चाहिए जिसने परास्नातक किया हो, यानी कि जिसने एमएड किया हो। साथ ही साथ विशेष शिक्षा में डिग्री डिप्लोमा भी होना चाहिए उसके पास में। साथ ही साथ विद्यालय में 3
जो आया बहन होती हैं वो होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो सके। गार्ड होना चाहिए विद्यालय में, और कार्यालय में एक टाइपिंग करने के लिए भी, लेखा रखने के लिए भी एक, ये मान के चलिए एक बाबू होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि विद्यालय का सारा कार्यभार लेखा जोखा उनके पास होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं सामूहिकरण। आप सभी को पता है ज्यादा से ज्यादा हम 8 बच्चे पढ़ाएंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की दोस्तों बात कर रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा हम 8 बच्चों का एक क्लास में उनको हम पढ़ाएंगे, तो उनका जो आयु का स्तर होना चाहिए वो एक होना चाहिए, उनका जो आयु का स्तर होना चाहिए वो एक होना चाहिए, जहां पर हम व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम बना सकें, यानी कि IP बना सकें उनके लिए, और वर्तमान कार्यात्मक स्तर पर आधारित होनी चाहिए। वो कैसी IP कैसी होनी चाहिए, जो उनका लेवल है, करंट लेवल है, उसके अनुसार आधारित होनी चाहिए। एक विशेष विद्यालय में कक्षाओं का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्य का समय, जो बच्चे हैं वो कितनी देर विद्यालय में रहेंगे, तो स्कूल प्रत्येक सप्ताह में 5.5 घंटे का होना चाहिए, यानी कि 5.5 घंटे विद्यालय खुलना चाहिए। स्कूल के खुलने का समय 9 बजे और बंद होने का समय 3 बजे होना चाहिए, यानी कि विद्यालय 9 बजे खुलना चाहिए और बंद होने का समय 3 बजे होना चाहिए। अध्यापक को 1/2 घंटे पहले विद्यालय जाना चाहिए, आप सभी को पता है, और 1/2 घंटा बाद विद्यालय से निकलना चाहिए, जिससे कि सारे बच्चे वहाँ से निकल सकें, और जब विद्यालय में बच्चे पहुँचे तो वहाँ पर अध्यापक उनको मिले, जिससे कि कक्षा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बरकरार रहें, बच्चे किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी भी प्रकार का उनको नुकसान ना हो, जिससे वह कक्षा कक्ष में जा कर के दैनिक रिपोर्ट है उसको लिख सकेंगे। आगे हम बात करते हैं अभिलेखों का रखरखाव। नेक्स्ट आपका हेडिंग है अभिलेखों का रखरखाव। अभिलेखों का रखरखाव किस प्रकार से विशेष विद्यालय में किया जाएगा, प्रत्येक अध्यापक या उत्तरदायित्व होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे का वर्तमान स्तर जांचे और उसके अनुसार उसके लक्ष्य का निर्धारण करे, जिससे कि उसकी व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम बनाया जा सके, और प्रत्येक तीन माह में के अंतराल पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, मूल्यांकन करना चाहिए प्रत्येक 3 माह के अंतराल में, जिससे कि उसकी समय सारणी में परिवर्तन किया जा सके, जो वो सीख चुका है उसको हम आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट आपका अभिभावक शिक्षक मुलाकात। अभिभावक और शिक्षक की मुलाकात भी काफ़ी जरूरी होती है। जो कार्य हम विद्यालय में करवाएं वो कार्य एज इट इज बच्चों को घर में भी दोहरवाना चाहिए। अभिभावक की यह जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा विद्यालय के बाद में अपने घर पर रहता है, और अगर बच्चा घर पर कुछ भी नहीं सीखेगा तो जो विद्यालय का कार्य है वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। बजट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी गार्ड्स हैं, जितने भी लेखागार हैं, इनके सभी के विद्यालय के अंदर जितने भी लोग हैं, इनके सभी की जो बजट की व्यवस्था होनी चाहिए कि कितना बजट हमें चाहिए, तो एक विद्यालय के लिए आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं समावेशी विद्यालय के लिए। समावेशी विद्यालय आप सभी को पता है, अगर मैं साधारण शब्दों में बात करूँ तो विशेष बच्चा और सामान्य बच्चा दोनों एक साथ एक विद्यालय में एक छत के नीचे रह करके पढ़ाई करते हैं, ऐसा होता है समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। वहां पर आपको विशेष शिक्षक भी मिलेंगे, वहां पर आपको सामान्य शिक्षक भी मिलेंगे, जिससे कोई भी निःशक्त बच्चा आए उसको विद्यालय से वंचित ना किया जाए। अब अगर हमेशा मैं एक ही नाम लेता हूं, और कभी आप लखनऊ आइएगा यहां पर एक बहुत ही अच्छा विद्यालय, जो यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी मोहन रोड पर है, समावेशी शिक्षा की बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चा भी पढ़ने आता है, जहाँ पर मानसिक मंदित बच्चा भी देखने को आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको जो
हेयरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा होता है, श्रवण बाधित बच्चा है वो भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर सामान्य बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ऐसे बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे जो चलन दिव्यांगता से ग्रसित हैं, तो सभी प्रकार के बच्चे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। उनके लिए दोस्तों क्या किया गया है विद्यालय में, विद्यालय में क्या किया गया है, विद्यालय का स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से बनाया गया है, वहां पर रास्ता खोजने के लिए सभी प्रकार की, अब जैसे मान लीजिए जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों क्या है, रास्ता खोजने के लिए सभी निर्देश दिए गए हैं कि किधर आप जा सकते हैं, किधर कौन सा ब्लॉक है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको छू करके पहचानने की जो आपकी ब्रेल लिपि होती है तो उसका भी यूज़ किया गया है। रास्ते काफ़ी चौड़े बनाए गए हैं, विद्यालय जो है वहाँ पर काफ़ी चौड़े रास्ते बनाए गए हैं और बाधा मुक्त वातावरण वहाँ पर बनाया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को समस्या ना हो सके। यहाँ तक कि दोस्तों 3 मंजिल तक बच्चे को जाने के लिए अगर उसके पास में ट्राईसाइकिल है तो वो 3 मंजिल तक अपनी ट्राईसाइकिल से ही जा सकता है, क्योंकि घुमावदार जो सीढ़ियाँ होती हैं वो बना दी गई हैं, जिससे बच्चे आराम से, जो रैंप है उसको बना दिया गया है जिससे बच्चे आराम से ऊपर तक जा सकें। जो गेट हैं काफ़ी चौड़े बनाए गए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समावेशी विद्यालय में देखने को मिलेंगी और अध्यापक ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो सभी बच्चों को पढ़ा सकेंगे। सहायक तकनीकियों का भी प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर विशेष प्रयोगशाला का भी प्रयोग किया गया है जहाँ पर सभी बच्चे जा सकें, अच्छे से उसका प्रयोग कर सकें, और ये सभी चीज़ें, कैंटीन भी विद्यालय में होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपके समावेशी विद्यालय में होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर आप सभी लिख लीजिए 9118182056। दोस्तों आप लोग अपना नाम मैसेज कर दीजिएगा अगर आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो। व्हाट्सएप पे मैंने ब्रॉडकास्ट बना के रखा है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा इस बात को दोस्तों, 10 रुपये का नोट ले लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा कि सर के पास ध्यान रखिएगा, सर के पास कॉल नहीं करनी है। क्या दोस्तों? आपको हमारे पास फ़ोन नहीं मिलाना है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों का आंसर दूंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गुरु से कपट भी नहीं करते और मित्र से चोरी भी नहीं करते। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसको भी पूरा अवसर मिलना चाहिए सीखने का, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।